मुझे कुछ उसका मतलब आई आई हैड नो क्लू कि ये कितनी बड़ी चीज थी फॉर द इंडस्ट्री व्हेन समबडी वाज बीइंग लॉन्च लाइक दैट करेक्ट आई हैड नो आइडिया आई हैड नो क्लू मुझे कुछ पता नहीं था तभी और इवन दो कि मैंने फिल्मों में थोड़ी फिल्मों में काम किया था तब तक इवन देन मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि ये कितनी बड़ी बात थी hmm. आज मैं जब सोचती हूँ कि वॉट इट वॉज तब द फुल इम्पैक्ट आई कैन अंडरस्टैंड नाउ लेकिन तभी तो बिल्कुल नहीं मुझे ऐसे लगा ओह मेरी तस्वीर आई है अच्छा सिर्फ आंखें ही दी हैं अच्छा अच्छा यू नो लाइक दैट एंड तेजाब मगर आपने शूट कर ली मतलब साइन कर ली थी तेजाब um uh, हैपेंड क्योंकि uh, बापू गारू जो साउथ के डायरेक्टर थे hmm. उनको कोई लड़की चाहिए थी बजरंगी करके फिल्म बना रहे थे उसके लिए उसके लिए हमने एक गाना शूट किया था विद अनिल जी एंड मी अच्छा और एन uh, चंद्रा ने वो गाना देखा बिकॉज एडिटिंग द सॉन्ग और जब उन्होंने देखा तो बोले कि मेरी फिल्म के लिए मुझे कोई नई लड़की चाहिए एंड ही सेड मे बी दिस गर्ल ये लड़की ठीक रहेगी फिल्म hmm. के लिए और uh, तो उन्होंने अप्रोच किया और uh, मैंने स्टोरी वोरी सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी बोले ऐसे ऐसे है दीज आर द कैरेक्टर्स पूरी तो बनी नहीं थी तभी स्टोरी लेकिन जो इन नट शैल थी कि परफॉर्मर है ये है वो है

कोरियोग्राफ uh, किया वो गाना हुँ. और मैंने पहली बार वो गाना देखा तो मुझे उसका गॉड really so, याद, oh, so याद है जब ये गाना सुना सरोज जी ने भी सुना सुनते ही शी सर बहुत अच्छा गाना है सुपर हिट है इमेजिन भी. भी कर लिया वो गाना uh. कि कैसे होने वाला है uh.

तो जब मैंने uh, सरोजी के साथ रिहर्सल किए फॉर दिस डांस धीरे धीरे वो लैंग्वेज समझ में आने लगे कैमरा yes. की लैंग्वेज क्या है और uh, फिर शी टू मी इंडियन डांसिंग तो तुमने बहुत कर ली uh. लेकिन इसके लिए मैं रिहर्सल कराऊंगी ऑफ़ कोर्स सरोजी मैं करूंगी रिहर्सल क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि दिस सॉन्ग नीड्स तेजाब Uh, महबूब स्टूडियो में शायद उसकी शूटिंग थी जी, जी। और वो बस क्राउड में आई प्लेड योर फादर फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे बहुत हेट मेल आती थी uh, लोग कहते थे कि आप इतनी अच्छी लड़की के इतने बुरे फादर क्यों हैं <laughs> कुछ उसमें आप मुझे मारना वारना था सक्सेस ऑफ तेजाबी चेंज थिंग क्योंकि Hmm. Uh, उत्तर दक्षिण भी की थी और रामलखन वाज बीइंग मेड एट दैट टाइम तो रामलखन took a year and a half to make उसके दौरान भी थोड़ी सी सुने आई में भी मैं था yes. और रामलखन में भी था और दोनों में फादर ही बना था जी यू आर माय कांस्टेंट फादर एक्चुअली बड़ा बड़ा कलेजा चाहिए होता था उन दिनों माधुरी के फादर का रोल करने के लिए और जब तेजाब रिलीज हुई थी आप हिंदुस्तान में नहीं थी नहीं थी और आप माधुरी दीक्षित बन के गई थी और जब वापस आई तो यू वर मोहिनी मोहिनी जी और स्ट्रीट स्ट्रीट अर्चिन जो थे वो आपकी गाड़ी को बोल रहे थे एक दो तीन वाली लड़की और हाँ मु... नहीं क्या हुआ uh, मैं अमेरिका में थी मेरी बहन की शादी हुई वहां पे और यहाँ द मूवी रिलीज तो मुझे uh, रिकू ने फोन किया बोले सुपर हिट सुपर हिट तो मैंने बोला वो वेरी गुड हिट हो गई फिल्म तो आई वाज वेरी हैप्पी लेकिन तब तक किसी ने ऐसे मुझे कभी रिकग्नाइज uh, नहीं किया था ऑन द स्ट्रीट या ये नहीं कहा था कि ऑटोग्राफ और एनीथिंग दैट नॉट हैपेंड सारी चीजें हो गई थी मगर नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था अरे बाबा रे कितनी तो मुझे याद है कि आई आउट ऑफ द एयरपोर्ट और जैसे मैं वो ट्रॉली लेके मैं चल रही थी उतने में दो छोटे बच्चे आए और वो स्ट्रीट पे होते ना जैसे गाड़ी वाड़ी साफ़ करते थे तभी uh -huh. आके uh -huh. बोले uh, आप एक दो तीन हैं ना एक दो तीन <laughs> तो मैंने कहा हाँ बोले ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ प्लीज तो मैंने साइन किया और दिया वापस तो उसके साथ वाले बच्चे को बोलते देख देख मोहिनी एम एम द फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने एक सक्सेस Uh, देखा और एंजॉय किया और मुझे बहुत मजा आया कि लोगों ने मुझे पहचाना वट डिड इट मीन आपके लिए क्या चेंज हुआ एज पर्सन दैट हुआस उससे पहले क्या हुआ <laughs> दो मैं थोड़े फिल्में की मैंने एज ए लीड बट नथिंग वॉज वर्किंग्स आर नॉट वर्किंग और uh, कहीं ना कहीं ऑफकोर्स um, कहा जाता है कि नहीं हीरोइन मटीरियल नहीं है नहीं हो सकता शायद शी इज़ टू थिन शी इज़ टू शी इज़ टू दिसट इतने सारे कॉमेंट्स आपको मिलते हैं विच आर वेरी नेगेटिव तो बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है अराउंड यू hmm. और वेन तेज आर वर्कड वो सब कुछ पॉजिटिव हो गया फिर शी 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 सो 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 स्लिम स्लिम और ओ शीज शी डांस सो वेल और काम अच्छा किया जो सीन्स थे फादर और डॉटर के ऐसे सीन्स कभी हिंदी uh, फिल्मों में आए नहीं थे करेक्ट बिकॉज ए वेरी पावरफुल वेरी रॉ मतलब उनका इमोशंस क्योंकि आज तक डैडी नहीं ऐसे होता था लेकिन ये मतलब फाइट्स और मेजर हाँ, रियलिस्टिक लेवल पर थी रियलिस्टिक लेवल पे मुझे ऐसा लगा फाइनली hmm. मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ पे hmm. और स्पेशली आफ्टर मैंने सुभाष जी से कहा कि यस आई वांट टू बी अ हीरोइन नाउ तब से दिस वाज माय फर्स्ट सक्सेस और वो बहुत खुशी हुई मुझे उस बात की wow,

Uh, मुझे जो मैं कर रही थी वो मुझे बहुत पसंद आता था मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं एक्टिंग uh, कर रही हूँ मैं कैमरा के सामने हूँ मैं इमोट करती हूँ मैं डांस करती हूँ मैं सब करती हूँ तो uh, मेरा शौक था वो इट्स माय शौक और जब आपका शौक आपका प्रोफेशन हो जाता है mm. तो आप काम नहीं कर रहे हैं यूर डूइंग समथिंग यू एंजॉय डूइंग एंड माई फैमिली वॉज सो सपोर्टिव ऑल द टाइम